बोलना चाहो तो उस विषय पे बोलो। सर कुछ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे, कुछ पार्टीज ये भी कह रही थी कि आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए, क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग? देखो अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला, अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर स्टेटहुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलंब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हुआ था, हो जाता तो डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये एक मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं। सर कोई समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई है सर चुनाव कराने की? कोई नहीं, उसके लिए पीएम ने कहा, हम लोगों ने कहा कि पहले बुलाए तो उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल पिछले साल से ये मन था के बुलाऊं, लेकिन चूंकि कोविड था तो कोविड में इतने लोगों को इकट्ठे बुलाना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड ये सबसे बड़ी मीटिंग मेरे इस हॉल में हुई है, ये सबसे बड़ी है कोविड में, तो लेकिन एक विंडो निकला तो इस विंडो में हमने बात की। आजाद साहब आज खबर आई है कि चुनाव आयोग भी जल्दी, मतलब परिसीमन आयोग जो है जल्दी ही बैठक बुलाएगा सर्वदलीय बैठक। वो मुझे मेरी जान का, आप लोग उसका स्वागत करते हैं अगर जल्दी? हाँ जल्दी होना चाहिए, अगर इलेक्शन करना है और नॉर्मलसी बहाल करनी है, डेमोक्रेसी बहाल करनी है, हम चाहते हैं कि तुरंत डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। हम लोगों ने ये भी बात रखी कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक हिस्सा है डेमोक्रेसी का और सरकार का, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार खुद अपने आप में लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती है, मंत्री का काम नहीं कर सकती है, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है और पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना है, जिसको पीएम ने स्वयं मांगा कि भाई ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, उनकी एक अलग सिस्टम है काम करने का और राजनेताओं का अलग है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई अभी इतने साल से चल रहा है तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत आता है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिशियन मिलता है लोगों से उस तरह से तो ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा। तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी नहीं, अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं पर सर इस पर आपको पॉइंट रखे हैं क्या बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के 5 पॉइंट कर रही हैं? आप जब फुल स्टेटहुड की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप एकदम साफ कह रहे हैं कि एलजी का शासन नहीं चाहिए? हाँ हम लोगों ने बता दिया ना, नाम लेकर बताया, गवर्नर जिसमें हो, हाँ बाकी सबने बताया कि अगर एलजी अच्छा है तो इसी को गवर्नर बनाओ और स्टेट को दे दो, इसको प्रमोट करो। आप लोग एलजी के काम से खुश हैं इसका? नहीं, भाई लाजने का पॉलिटिशियन है और समझता है पॉलिटिक्स, समझता है पॉलिटिशियन, समझता है मात्र बहुत फर्क होता है अंतर में पॉलिटिशियन गवर्नर होना और नॉन पॉलिटिशियन गवर्नर होने में, लेकिन वो एक सप्लीमेंट्री चीज थी, सबका ये कहना था फुल फ्लेज स्टेट गांव होनी चाहिए, हमारी भी वही पहली मांग थी, सबने उस पर बात की। कारगिल को और लद्दाख को नहीं, देखो उसके बारे में हमने, मैंने पूछा था अपने क्वेश्चन में कि उसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन चूंकि लद्दाख का ले और कारगिल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था तो उसका मतलब यही है कि उस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, बुलाया नहीं था। ये जो आजाद साहब कांग्रेस के जो 5 डिमांड सबने बताया, बाकी और पार्टियां कितनी पार्टियां आपसे सहमत थी आपने? नहीं अब मैं थोड़ी ये कहूंगा कौन मेरे सहमत थे, अंदर की बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज थे, कोई पहला प्रायोरिटी था तो कोई दूसरा था कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीजें थी। ऑफकोर्स सबने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या गलतियां की, क्या क्या आपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए, दो एनसी ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजुर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया, महबूबा जी ने आला और सब पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक अच्छे वातावरण में कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली
एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं और इशू भी सबका एक ही कारण था। अब मैं नहीं समझता कि ये जो पांच मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे तो कोई इस पर किसी की पार्टी को आपत्ति हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग हो। किसने बस मैंने बताया ना, अधिकतर कुछ लोगों ने कहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि भाई वो कोर्ट में है, अदालत में है। अजय साहब, क्या आगे भी कोई बैठक होगी इसका कोई समय? आज कहा गया क्या आने वाले समय में कोई और भी नहीं, अभी कोई चर्चा